चलिए दोस्तों, मैंने पहले बहुत बार कहा कि अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट नहीं कर पाया, जिसको सेमीकंडक्टर नाम से हम लोग जानते हैं, क्लास ट्वेल्थ में स्टार्ट नहीं कर पाया। लेकिन अब कुछ ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं जिसको बताना मेरे लिए ज़रूरी पड़ जाता है, और ये जो टॉपिक्स है आज डिपेंड है बिल्कुल सेमेस्टर फाइव बी एस सी फिज़िक्स वाले, और ये टॉपिक आता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर का। हम तो अभी सिर्फ ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं, बाकी आगे बहुत कुछ बोलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम आज जो डिस्कशन करेंगे, ये ट्रांजिस्टर में हम लोगों ने दो तरह का ट्रांजिस्टर है, BJT और एक होता है FET। BJT का मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर? ठीक है। और दूसरा है FET, मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो मैं जहां तक समझ रहा हूं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये ट्रांजिस्टर पहले होता क्या है, और इसके बाद ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मान लेते हैं कि आपने कभी पढ़ लिया है, लेकिन ये फेट कभी नहीं पढ़ा होगा, ये सिर्फ BSc में ही पढ़ना है, और सेमेस्टर फोर में नहीं पढ़ना है, सेमेस्टर फाइव में ही पढ़ना है, मतलब लास्ट ईयर ऑफ फिज़िक्स में आपको ये चैप्टर पढ़ जाना है। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर क्या होता है ये जानेंगे, फिर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, और मेन फोकस जो है मेरा मेन वो रहेगा FET पर, और आज का लेक्चर सिर्फ FET पर ही जाने वाला है। आराम से समझिए कि हम लोग सिंपल सा एक ट्रांजिस्टर से FET कैसे बना लेते हैं। चलिए तो समझते हैं ट्रांजिस्टर, क्या समझते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर को। देखिए, सबसे पहले सेमीकंडक्टर आपने पढ़ी होगी, और सेमीकंडक्टर में आपको मैं शॉर्ट में बताता हुआ चलता हूँ, सेमीकंडक्टर वो मेटल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर भी एक तरह का मेटल है, लेकिन वो मेटल जो ना ही पूरा पूरा कंडक्टर होते हैं और ना ही पूरा पूरा इंसुलेटर। जो पूरा पूरा कंडक्टर होते हैं वो प्योर कंडक्टर में आ जाते हैं कॉपर की तरह, और इंसुलेटर आ जाते हैं लेड की तरह, लेड मतलब शीशा की तरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, उसके बीच में जिसका रेजिस्टिविटी लाइज करता है, इसका कंडक्टिविटी लाइज करता है कॉपर और लेड के बीच में, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। जैसे फोर्थ ग्रुप का जितने भी मेटल है, कार्बन वाले ग्रुप में जितने भी मेटल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम ही दोनों एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है, और इसी पर पूरा सेमीकंडक्टर चलता है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये पता चल गया, लेकिन कभी कभी हम लोग को देखने को मिलता है कि सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा ज़्यादा कंडक्ट करवाने के लिए, एक थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइप का जो मॉलिक्यूल से उसमें इसको डोप कर देते हैं, जैसे आप देखिए, हाँ डोपिंग अभी देखिए, हम उसको डिटेल से अलग सीरीज चलाऊंगा, लेकिन अभी सिंपल बताता हूँ। डोपिंग करने से हमें दो चीज़ मिलती है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरी एन टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में ही कहानी स्टार्ट होती है, पी टाइप और दूसरा हो गया। पी टाइप का मेजोरिटी चार्ज कैरियर होती है पॉजिटिव होल्स,
और एन टाइप का मेजोरिटी चार्ज के लिए होती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज जस्ट उसके अपोजिट में होती है। ये बातें समझ में आने की बात हम समझते हैं, आगे चला जाए ट्रांजिस्टर पर। कहाँ चला जाए? ट्रांजिस्टर, क्योंकि हम लोग का मेन फोकस कहाँ है? ट्रांजिस्टर। देखिए ट्रांजिस्टर होता क्या है, तो एक थ्री इलेक्ट्रो डिवाइस। क्या है? थ्री इलेक्ट्रो डिवाइस। आपने बैटरी देखी है, तो बैटरी के ऊपर में देखेंगे आपने, एक प्लस निकलता है, एक माइनस निकलता है। उसी तरह ट्रांजिस्टर एक ऐसा है जिसमें हम थ्री इलेक्ट्रो डिवाइस यूज करते हैं। थ्री इलेक्ट्रो डिवाइस, एक में निकलता है जिसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टर, क्या बोलते हैं? कलेक्टर। दूसरी जो निकलता है और तीसरी जो निकलता है इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एमिटर, ठीक है। और इसी में हमको जानना है कि जो करंट कलेक्टर की तरफ से आती है उसको हम लोग बोलते हैं आईसी, जो करंट बेस की तरफ से फ्लो होती है उसको बोलते हैं आईबी, ठीक है। और ये करंट जो आईसी है वो फंक्शन होती है, मतलब डिपेंड करती है आईबी पर। फिर से, आईसी का जो करंट है वो डिपेंड करती है आईबी पर, और ये जो बीटा है वो कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं उस समय, आप बात कीजिए आपको पता चल जाएगा। ये जो है फंक्शन है किसका? आईबी का, ठीक है। और ये आता कब है, मतलब ये आता कब है, तो जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मर्ज करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा बेसिक जानकारियाँ आप ले लीजिए मेरे से। जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, और फिर यहाँ एक छोटा सा लेयर मैंने डाल दिया एन का, और फिर डाल दिया पी का, तो ये अब जो हुआ मेरे पास इसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्या बोलेंगे इसको? पीएनपी ट्रांजिस्टर। और उसी तरह इसके जगह पर यदि एनपीएन रहे तो उसका नाम रख देते हैं हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या नाम रखते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये बात समझ में आ गई, मतलब समझिए ठीक है। यहाँ पे होती है क्या? यहाँ पे होती है कलेक्टर, इमीटर, बेस। यही बात है, तीनों को मिला के मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये जानने से पहले मैं पीएन जंक्शन के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। देखिए इधर इधर दिख रही है, चलिए ठीक है। जब कभी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सटाना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तो मेन चीज़ क्या होता है, फोकस कीजिएगा आप, कि इसका मेजोरिटी चार्ज पॉजिटिव होल्स है, ठीक है, और इसका मेजोरिटी चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिस पर चार्ज माइनस होती है। तो जब हम इन दोनों को सटाते हैं तो कुछ नेगेटिव इधर आ जाते हैं, कुछ पॉजिटिव इधर आ जाते हैं। देखिए कुछ नेगेटिव इधर आ जाते हैं, इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव होल्स वो इधर चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम हम लोग देते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या नाम देते हैं? डिप्लीशन लेयर, ठीक है। और इस तरह से पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। मैं इसका एक अलग सीरीज चलाऊंगा सेमीकंडक्टर का, उसमें सब वीडियो डाल दूंगा, मैं अभी नहीं डाला हूं बट डाल दूंगा, ठीक है। तो यहां से पीएन जंक्शन क्या होती है पता चला, और एक चीज और पता चला जिसका नाम है डिप्लीशन लेयर। क्या नाम पता चला? डिप्लीशन लेयर। इसके बाद थोड़ा सा आप जान लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा आप जान लीजिए कि डिप्लेशन लेयर के बाद एक चीज़ का योग यूज होने वाला है जिसको बोलते हैं हम लोग कनेक्शन। क्या बोलते हैं? कनेक्शन। और वो डिपेंड करती है कनेक्शन, और ये कनेक्शन दो प्रकार के करते हैं हम लोग,
फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, रिवर्स बायस कनेक्शन। समझिए फॉरवर्ड बायस कनेक्शन क्या होता है। इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इसको जो है हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इधर पी और इधर एन। तो जब हम इस सेमीकंडक्टर जो बना मेरे पास पीएन जंक्शन को, जब हम पीएन जंक्शन को पी टाइप और एन टाइप इधर इधर है दिख रहा है, यदि पी टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से जोड़ दें और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से जोड़ें, तो इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। यदि पी को पॉजिटिव से जोड़ें, एन को नेगेटिव से जोड़ें तो। और इसमें क्या होती है कि इसमें करंट फ्लो करने के लिए पूरी आज़ादी मिल जाती है, इसमें करंट फ्लो करने की पूरी आज़ादी मिलती है, जिसकी वजह से ये जो डिप्लीशन लेयर है मेरे पास वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, थोड़ा थीन हो जाता है। परंतु ये तो फॉरवर्ड का कहानी हुआ, क्या हुआ? फॉरवर्ड का। और यदि हम लोग चले रिवर्स में तो जस्ट इसका उल्टा होता है, बोर्ड में दिख रहा है, जस्ट इसका उल्टा होता है। और उसमें हम लोग ये करते हैं कि इस पॉजिटिव को जोड़ते हैं नेगेटिव से और नेगेटिव को जोड़ते हैं पॉजिटिव से, और इस कंडीशन पर प्रॉब्लम ये आती है कि करंट फ्लो करना बंद हो जाती है, करंट फ्लो नहीं करती, और नहीं करने की वजह से ये डिप्लीशन लेयर थोड़ा सा बढ़ जाती है, डिप्लीशन लेयर थोड़ा सा बढ़ जाती है। और फिर करंट दें मतलब इस सेल के वैल्यू को और बढ़ाते जाएं तो ये डिप्लीशन लेयर एक समय बढ़ तो जाएगा लेकिन एक ऐसा अमाउंट ऑफ करंट पूरा हाई में फेंकेगा और वहीं पे जाकर के कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और जिस वोल्टेज पे वो करंट निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन पोटेंशियल, ठीक है। और ये ब्रेक डाउन पोटेंशियल सिलिकन के लिए अलग होती है, जर्मेनियम के लिए अलग होती है, ठीक है। ये तो सिंपल सा कहानी हुआ जो हमको जे फैक्ट में अब आगे यूज होने वाला है। लाइन पर बने रहिए, आपको मैं सिंपल सा ट्रांजिस्टर से जे फैक्ट का ट्रांजिस्टर में कैसे ले जाते हैं मैं बता रहा हूँ। जीत में ही हार है, रात में ही दिन, निकलेगा सूरज फिर